शिवराज बोले कांग्रेस समाप्ति की ओर जा रही। दिल्ली में कहा 3 दिन युद्ध विराम न होता तो पूरा कश्मीर हमारा होता, नेहरू ने पाप किया। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को दिल्ली में 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। पूर्व सीएम ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आयोजित दलित महासम्मेलन में और चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। पीओके हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था, हमारी सेनाएं बहादुरी के साथ लड़ रही थी। अगर 3 दिन और युद्ध विराम नहीं होता तो पीओके होता ही नहीं, पूरा कश्मीर हमारा होता। कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाप किया और युद्ध विराम कर दिया और पीओके पाकिस्तान में रह गया। आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि अब पीओके हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे, वो भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक भूल, अपराध और पाप है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। क्या क्या नहीं किया, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान कौन लेकर आया? कश्मीर हमारा था, हम लोग नारे लगाते रहे एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, लेकिन कांग्रेस ने ये पाप किया और धारा 370 लगा दी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने एक झटके में धारा 370 खत्म करके एक देश से 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान हटा दिए। केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा है कि रक्त बीज था, युद्ध में जहां जहां उसका खून गिरता था उस खून की एक बूंद से और एक रक्त बीज राक्षस पैदा हो जाया करता था। वो रक्त बीज थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो भ्रष्ट बीज हैं। जहां जहां उनकी पार्टी जीतती है वहां वहां भ्रष्टाचार का तंत्र ही खड़ा हो जाता है। केजरीवाल ने दिल्ली को कितना लूटा कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि अन्ना हजारे के आंदोलन की उपज केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल होंगे, वो शराब ऐसी जिसने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। कांग्रेस ने आजादी का इतिहास गलत पढ़ाया। पूर्व सीएम शिवराज ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस सत्ता में आई तो सबसे पहले उन्होंने हमारे शहीदों का अपमान किया, इस देश के इतिहास को भी गलत पढ़ाया। हमको पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को आजादी महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा जी ने दिलाई। मैं बापू जी के योगदान को अस्वीकार नहीं करता, लेकिन हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, हम भूल गए तात्या टोपे को, नाना साहब पेशवा को, वासुदेव बलवंत खड़गे को, अमर शहीद कुंवर सिंह को, लाला लाजपत राय को, लोकमान्य तिलक को, खुदीराम बोस को, अमर शहीद उधम सिंह को, शहीद आजम भगत सिंह को, हम इन्हें भूल गए। कांग्रेस ने ये पाप किया है कि हमें इन वीर योद्धाओं के बारे में नहीं पढ़ाया। इस देश को आजादी का इतिहास कांग्रेस ने गलत पढ़ाया, देश को गलत दिशा दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।